good afternoon. My name is dietitian Nisha Singh, specialty in weight loss. Obesity जो है ना, obesity जो normally है, जो हम बाहर से देखते हैं, we are thinking कि यही है obesity, but नहीं. Obesity एक ऐसी डिजीज़ है जिससे इन फ्यूचर एंड हमारी जितनी भी कोरोनिक डिजीजेज जो होते हैं सब ओबेसिटी से ही रिलेटेड है. ओबेसिटी से लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है, थायराइड होता है, डायबिटीज़ होती है, डिप्रेशन होता है, हाइपरटेंशन होता है, एंड बहुत से लोगों को क्या होता है, साइकोलॉजिकल थॉट्स आते हैं, लाइक यंगर लाइक मी या अभी के जो टीनेजर है वो ओबीस है तो वो सोशलाइज नहीं करना चाहते कि उनको ऐसा लगता है मैं मोटी हूँ तो मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे सब मोटी बोलेंगे, मैं हॉट ड्रेसेस नहीं पहन सकती. तो फिर उन लोगों को बंजिंग ईटिंग्स की भी सिम्टम्स आती है कि मुझसे ईटिंग नहीं मतलब स्टॉप होती ना, मुझे फास्ट फूड अच्छा लगता है. तो देयर इज लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड बहुत से मिथ है जो लोगों ने ओबेसिटी को लेके सोच रखा है, बट इन रियलिटी जब हम वेट लूज के जर्नी में आते हैं तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग. ऐसे मोस्टली मैंने जितने लोगों से मिला है सब यही बोलते हैं कि नहीं नहीं मैंने डाइट किया हुआ है ना, मैंने खुद से 10 किलो वेट लूज किया है. देन आपने 10 किलो वेट लूज किया है तो अभी आपका रिजल्ट कहाँ पे है? डाइट इज अ साइंटिफिक वे जिसमें हम हेल्दी एंड साइंटिफिक लाइक मेथड से आपका वेट लूज कर सकते हैं. इनकी आपको भी लाइफ रिजल्ट दिखता है, हमें भी दिखता है. एंड आपके बहुत सी क्रोनिक डिजीज है, लॉट्स ऑफ मेडिसिन लेते हैं लोग, डायबिटिक के लिए लेते हैं, बीपी के लिए, थायराइड के लिए. इन केस अगर हम मोटिवेशन बेस से, साइंटिफिक बेस से अगर वेट लॉस करें तो हमारी सारी मेडिसिन चली जाएगी और हमारा लाइफस्टाइल जो है, हमारा लाइफ साइकिल जो है 10 इयर्स 20 इयर्स और आगे बढ़ जाएगा. तो इसी के लिए ओबेसिटी को इग्नोर ना करें एंड कि मैं वेट लॉस खुद से कर लूँगी ये वाली थॉट्स तो लाए ही नहीं एंड ना गूगल सर्च करके वेट लॉस करें. ऑलवेज वेट लॉस के लिए एक सर्टिस्फाइड डाइटिशियन या डॉक्टर या कंसल्टेशन के पास आप जाए, साइंटिफिक वे में वेट लॉस करें. कोई भी मिथ, कोई भी गूगल एडवर्टाइजमेंट, कोई भी पाउडर ना ले, हेल्दी रहे और हेल्दी वे में वेट लूज करे. थैंक यू.